तो दोस्तों ये है बोट एयर डॉप्स वन थ्री वन का न्यू वर्ज़न और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोट एयर डॉप्स वन थ्री वन न्यू वर्जन का रीसेट तो गई रीसेट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपके पास है बोट एयर डॉप्स वन थ्री वन का ओल्ड वर्ज़न तो उसका जो रीसेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जो न्यू वर्ज़न आया है उसका जो रीसेट करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है तो गई अगर आप सब ओल्ड वर्ज़न को रिसेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका वीडियो का लिंक जो मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सब वहां से जाके डायरेक्ट उसको वॉच कर सकते हो एंड अपने बोट एयर डॉप्स वन थ्री वन को रिसेट कर सकते हो तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बोट एयर डॉप्स वन थ्री वन न्यू वर्जन को रिसेट कैसे करते हैं तो गैस यहाँ पे रिसेट करने के लिए आपको करना क्या है सिंपल अपने दोनों ही एयर को इसके चार्जिंग केस में रख देंगे और दोनों ही एयडोप्स को चार्जिंग केस में रखने के बाद इसके चार्जिंग केस को हम यहाँ पे ओपन ही रखेंगे इसके चार्जिंग केस को हम बंद नहीं करेंगे ओपन ही रखना है उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग केस के नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप सबको एक बटन देखने को मिल जाएंगे तो गाइस ये जो बटन है ये बोट एय्स वन थ्री वन न्यू वर्जन में ये अलग से एक रीसेट बटन दिया गया है जिससे कि आप सब अपने एयडोप्स को रीसेट कर सकते हो तो गाइस हम इस बटन को करेंगे सिंपल इस बटन को हमने प्रेस एंड होल्ड करके रखने हैं पाँच सेकेंड के लिए और उसके बाद हमारा जो चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों अब मैं बोट एयर डॉक्स वन थ्री वन न्यू वर्जन एयर डॉक्स का जो रिसेट है वो आप सबके सामने लाइव करने वाला हूँ तो प्लीज़ आप सब वीडियो पर बने रहें और वीडियो को ध्यान से जरूर देखें तो क्या रिसेट करने के लिए वो करना क्या सिंपल अपने दोनों ही एयर डोब्स को इसके चार्जिंग केस में रख देना है और उसके बाद इसका जो चार्जिंग केस है हमने उसे ओपन ही रखना है ठीक है उसके बाद हमने इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखने हैं फाइव सेकंड के लिए तो दोस्तों अब मैं इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रख लेता हूं फाइव सेकंड के लिए और आप सब यहां पे जो चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हमारा जो चार्जिंग केस का जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया तो ये जो लाइट है ये भी फाइव सेकेंड के लिए ब्लिंक होता रहेगा कंटिन्यू और ब्लिंक होने के बाद अब आपको करना है क्या सिंपल इस चार्जिंग केस को हम बंद कर लेंगे तो हम इस चार्जिंग केस को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद अपने करना क्या सिंपल एक से दो सेकंड के लिए वेट करेंगे और उसके बाद तो हम फिर से इस चार्जिंग केस को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हम एक से दो सेकंड वेट कर लिए और अब हम इस चार्जिंग केस को ओपन कर लेते हैं तो जैसे हम इस चार्जिंग केस को ओपन करेंगे ठीक वैसे ही हमारा जो बोट एयरडो वन थ्री वन ईयरबड जो है वो रिसेट कम्प्लीटली डन हो जाता है तो गईज इस तरीके से आप सब बोट एयर ड्रॉप्स वन थ्री वन को रीसेट कर सकते हो और रीसेट करने के बाद इसके जो प्रॉब्लम है उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो तो गईज़ अगर आप सबको इस एयर ड्रॉप से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलकन को ऑन कर देना क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही